हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस प्रिलिम्स लॉकडाउन सीरीज में हिस्ट्री देख रहे हैं और इसमें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। इस एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग आज देखेंगे सेंट्रल टाइम पे। सेंट्रल टाइम कहने का मतलब कि मिडिल टाइम पे, जब हर्षवर्धन का टाइम खत्म हो गया था, उसके बाद से किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस हुए हैं। इस चेंजेस में तीन मेन डायनेस्टीज निकल के आई थी, जिसमें से एक थी जो महाराष्ट्र के एरिया में थी, कर्नाटक के एरिया में थी, जिसका नाम है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इसके अलावा बंगाल साइड में पाल डायनेस्टी निकल के आती है और सेंट्रल इंडिया यानी मालवा के एरिया में गुर्जर प्रतिहार निकल करके आते हैं। इन तीनों डायनेस्टीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि ये तीनों डायनेस्टीज अपने आप में पावरफुल होने के कारण से एक ट्रिपरटाइट वॉर होती है, त्रिपक्षीय युद्ध होता है, और उसमें क्या होता है, कौन जीतता है और किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस होती है, इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक। बट बिफोर दैट, दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर अवेलेबल कोर्सेज ऑन यूट्यूब। दीज आर प्रिलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। And these test series are current affairs based and geography optional based. और अगर आपको लेना हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात किया जाए तो हम लोगों ने देखा था कि इस गुजरात के एरिया में मैत्रक डायनेस्टी थी, दिस वॉज द मैत्रक डायनेस्टी। इसके अलावा हमारे जो मालवा का एरिया था, इस मालवा के एरिया में अल्टीमेटली गृहवर्मन के डेथ के बाद हर्षवर्धन ने इस पूरे एरिया को भी अपने टेरिटरी में मिला लिया था। इसके अलावा जो असम का एरिया था, ये भवदत्त वर्मन के एरिया में था, तो ये भी हर्षवर्धन के ही कह लीजिए फ्रेंडशिप में था, तो एक तरीके से यहां पर एक फ्रेंडली रिलेशन थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि जो बंगाल का एरिया था, यहां पर पाल डायनेस्टी आ गई है। पाल डायनेस्टी आने से पहले एक्चुअली यहां पर शशांक डायनेस्टी थी, शशांक था गौड़ डायनेस्टी, और अल्टीमेटली इसको हर्षवर्धन ने मार दिया था। फिर हर्षवर्धन के बाद से कई सारी और भी छोटे छोटे यहाँ पर रूलर्स आए हैं और अल्टीमेटली ये डायनेस्टी जो वर्धन डायनेस्टी या फिर कह लीजिए पुष्य भूति डायनेस्टी थी, ये डिसइंटीग्रेट हो गई। पुष्य भूति डायनेस्टी ये डिसइंटीग्रेट हो गई और डिसइंटीग्रेट होने के बाद में छोटी छोटी डायनेस्टीज फिर सामने निकल करके आती हैं। हालांकि इस डायनेस्टी से पहले राष्ट्रकूटाज ऑलरेडी इस इलाके में आ चुके थे। इसके अलावा मालवा में भी गुर्जर प्रतिहार का इलाका डेवलप होना शुरू हो गया था और जो बंगाल का इलाका था, ये शशांक के डेथ के बाद यहां पर कियोस्क हो गया था, मतलब कि पूरा एरिया जो है वो एक तरीके से पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गया था और नियर अबाउट जो होता है वो सेंचुरी तक इसी तरीके से डिस्टर्ब चला। डिस्टर्ब होने के कारण से अल्टीमेटली जो यहाँ के लोग थे, जो आम जनता थी, उन्होंने यहां पर गोपाल नामक एक कमांडर था, उसको अल्टीमेटली राजा बना दिया जाता है और इस तरीके से बंगाल के एरिया में पाल डायनेस्टी निकल करके आ जाती है। सिमिलरली जो साउथ मतलब कि महाराष्ट्र का रीजन है, यहां पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी निकल जाती है और अल्टीमेटली गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी निकल जाती है जो सेंट्रल इंडिया में है। तो इस तरीके से इस पूरी डायनेस्टी के बारे में हम लोग इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जरूर होगी बट स्टिल यहां पर हमें बहुत सारी जानकारियां अभी जानने की मिलेंगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं और ये देखिए आप लोगों को एक फोटोग्राफ देखने को मिलेगा जहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द एरिया वेयर गुर्जर प्रतिहार रूल्ड। सिमिलरली राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इट वॉज इन द सदर्न इंडिया। सिमिलरली यहां बंगाल के एरिया में दिस वॉज द एरिया वेयर पाल डायनेस्टी रूल्ड। तो यहां पर जब तीनों स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज रहेंगी, तीनों के पास अपना खुद का एक बड़ा अंपायर होगा, तो ऑब्वियसली ये तीनों के तीनों आपस में एक कंपटीशन की भावना रहेगी, आपस में एक वॉर लड़ा जाएगा। और ये वॉर बेसिकली तीन तरीके का वॉर था। एक जहां पर गुर्जर प्रतिहार ने सिंध के एरिया में जो बाहर से इस्लामिक इन्वेजन हो रहे थे उनको रोका, तो इस तरीके से यहां पर अरब वर्सेस गुर्जर यहां पर एक वॉर देखने को मिलती है। इनफैक्ट हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे। महमूद गजनवी यहीं से आता है और अल्टीमेटली इसको गुर्जर प्रतिहार रोक देते हैं। हालांकि बाद में जो इसका रूलर रहता है राज्यपाल, वो भाग जाता है, जिसके कारण से अल्टीमेटली बाद में क्या चीजें होंगी बात करेंगे हम लोग। दिस विल बी डिस्कस्ड इन द मेडिवल हिस्ट्री, आगे देखेंगे क्या चीज होती है।
दूसरी जो वॉर होती है वो होती है राष्ट्रकूट और गुर्जरों के बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों डायनेस्टीज स्ट्रांग है, ऑब्वियसली ये दोनों के दोनों एक दूसरे की टेरिटरी को इंटरफियर करेंगे, दोनों एक दूसरे के टेरिटरी को एनेक्स करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली पाल डायनेस्टी वर्सेस गुर्जर डायनेस्टी, ये भी एक कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि अगेन दोनों जो है वो नेबरहुड है और दोनों स्ट्रांग है और दोनों ही आपस में फिर वॉर लड़ेंगे। तो इस कारण से हमें ये पूरी की पूरी डायनेस्टीज देखने को मिल जाती हैं। इन डायनेस्टी के अलावा छोटी छोटी और भी कई सारी डायनेस्टीज थी, जैसे कश्मीर के एरिया में अलग से एक डायनेस्टी चल रही थी विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड इन दिस वीडियो। हम लोग इनफैक्ट इस जीएस में ही कश्मीर के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं देखना होता, थोड़ी मोड़ी जो जानकारियां वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा मुल्तान आ जाता है, लेकिन अगेन मुल्तान इज नॉट इन आवर सिलेबस क्योंकि हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में ही बात करते हैं। हम लोगों को पढ़ना होगा फिर वेंगी के जो चालुक्य है, तो इसके अलावा वेंगी के चालुक्य, बाद में हम लोग वादामी के चालुक्य और कल्याण के चालुक्य के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा कलिंग, यहां पर गंगा डायनेस्टी एक छोटी सी डायनेस्टी थी उसके बारे में देखना होगा। चोल, पांड्य और यहां पर केरला में कह लीजिए चीर डायनेस्टी छोटे फॉर्मेट में छोटे टाइम तक के लिए थी। तो ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था। किसी भी स्टडी मतलब किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी टाइम पीरियड को स्टडी करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एट लीस्ट विच ऑल डायनेस्टीज आर देयर एट द सेम टाइम, तभी ना आपस में वॉर वगैरह लड़वाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप उस समय के डायनेस्टीज उस समय के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको जानते रहें। ठीक है, चलिए खैर अब हम जरा वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द पॉलिटिकल सिस्टम और फिर हम लोग आगे राष्ट्रकूट के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग प्रतिहार के बारे में और फिर अल्टीमेटली पाल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन बिफोर राष्ट्रकूटाज। तो पाटलिपुत्र अपनी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी खो चुका था, ये तो इनफैक्ट मौर्यन एज के बाद से ही अपनी जो इंपॉर्टेंस है वो खो चुका था, और इस समय पाटलिपुत्र की जगह जो इंपॉर्टेंट स्टेट या इंपॉर्टेंट एरिया हो गया था वो हो गया था कन्नौज का एरिया। दिस वॉज द मेन पॉलिटिकल सेंटर जिसके लिए सारे के सारे लोग लड़ रहे थे। तो कन्नौज द कैपिटल सिटी ऑफ हर्ष एज्यूम्ड प्रोमिनेंस फॉर विच वॉर्स स्टार्टेड अमंग्स द पाल ऑफ बंगाल, वही जो बंगाल के पाल डायनेस्टी है, प्रतिहार ऑफ मध्य प्रदेश एंड राष्ट्रकूटा ऑफ साउथ इंडिया दैट इज द कर्नाटका। द प्रोलॉन्ग्ड वॉर ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के बारे में हम लोग अभी एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे, एंड ट्राइंगुलर वॉर फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ थ्री डायनेस्टीज, ये तीनों डायनेस्टी आपस में ही लड़ करके मर गई, खत्म हो गई, जिसके कारण से तीन स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी वन बाय वन करके डिसइंटीग्रेट हो गई, जिसके कारण से काफी समय तक एक पॉलिटिकल वैक्यूम या कह लीजिए पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हुई, जिसके कारण से जो इस्लामिक इन्वेडर्स हैं वो अल्टीमेटली इंडिया में आए और हमारा जो हिस्ट्री है वो मेडिवल हिस्ट्री में तब्दील हो गया, जहां पर हमें मुगल अंपायर और कई सारे इस्लामिक रूलर के बारे में हमें पढ़ना होता है इन आवर मेडिवल हिस्ट्री। इफ इन केस ये तीनों के तीनों डायनेस्टीज आपस में मिल करके रही होती, फ्रेंडशिप के साथ रही होती, तो हमारी हिस्ट्री कुछ और ही रहती आज की डेट में। तो खैर जो है सो है। However, the Rashtrakutas survived for the longest period in the struggle. तो राष्ट्रकूटास जो है वो स्ट्रगल में लॉन्गेस्ट पीरियड तक जरूर थे, लेकिन ओवरऑल बात किया जाए तो गुर्जर प्रतिहार जो थे वो सबसे ज्यादा लेट टाइम तक रूल किए, तो काफी अंत तक थे। राष्ट्रकूटास के कारण में दिक्कत ये हो गई कि इंटरनल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई, जो आपस में ही कह लीजिए सिविल वॉर के कारण से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पूरी डिसइंटीग्रेट हो गई। पाल डायनेस्टी में भी काइंड ऑफ सेम ही चीज हुई थी, होले को तो वैसे गुर्जर प्रतिहार में भी यही हुआ था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट हुआ है, जिसके कारण से इनका जो टाइम पीरियड है काफी लंबा चला था। आगे बात किया जाए तो 700 टू 1200 एडी के बीच की पूरी के पूरी सिस्टम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एज मनी एज 1200 रीजनल किंगडम्स वर फॉर्म, तो देख सकते हैं कितनी ज्यादा डायनेस्टीज एक साथ चल रही थी। छोटे छोटे एरिया में भी छोटे छोटे आज के जो जिले हैं वो अपने आप में राज्य हुआ करते थे उस समय के। इट वॉज कॉल्ड द हे डे ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, तो इंडियन सामंतवाद के ये हे डे कहे जाते हैं इस समय के। अ न्यू कम्युनिटी कॉल्ड राजपूताज इमर्ज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब ये राजपूत जो है वो कौन होते थे, राजपूत थे जैसे गुर्जर प्रतिहार हो गए या फिर
परमार हो गए या फिर चालुक्य और चौहान, इन चार को बोला जाता है कि ये राजपूतास थे जो अल्टीमेटली इसी पीरियड में पहली बार इवॉल्व हुए थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो मतलब एक इनकी पोएट है वहां पर लिखी गई, और उन्होंने बताया है इस पृथ्वीराज रासो में कि जो राजपूत है वो बेसिकली वशिष्ठ, जो महर्षि वशिष्ठ हैं, जब वो आबू पर्वत पे जा करके मतलब कि माउंट आबू पे जा करके वहां पर एक कह लीजिए कि यज्ञ किए थे, और उस यज्ञ से अल्टीमेटली ये चारों डायनेस्टी चारों राजपूत किंगडम निकल करके आए हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनकी जो ओरिजिन है वो वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से है, यानी कि वहां पर जो फायर सेक्रीफाइस उन्होंने किया था वहां से ये लोग निकल करके आए हैं। हालांकि ये केवल केवल ऐसा माना जाता है, कई लोग तो इनको खैर फॉरेनर भी मानते हैं, तो अलग अलग सब लोगों का कह लीजिए कि आर्ग्यूमेंट है, लेकिन मोस्ट जो एक्सेप्टेड है वो यही है कि ये लोग माउंट अबू से निकल करके आए थे। और दूसरा जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो ये कि ये राम जो कह लीजिए लॉर्ड राम है या लक्ष्मण है उनके ये कह लीजिए कि डायनेस्टी से या उनके कह लीजिए कि ये वंशज हैं। द फोर राजपूतास क्लैन कौन कौन थे, वही चौहान हो गए, प्रतिहार हो गए, परमार और सोलंकीज यानी चालुक्य हो गए। दीज टुगेदर आर कॉल्ड एज अग्निकुल क्षत्रिय। अग्निकुल इसलिए क्योंकि ये अग्नि से ही निकले हुए हैं, फायर से ही निकले हैं वशिष्ठ के, ठीक है। दिस इज महर्षि वशिष्ठ, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। कर्नल टॉल अ ब्रिटिश अंपायर ब्रिटिश ऑफिसर एंड हिस्टोरियन रोड एनल्स ऑफ राजपूताना, ही फेल्ट दैट राजपूत वर फॉरेनर्स। तो उन्होंने इन्होंने यही कहा है कि राजपूत जो है वो फॉरेनर थे। अब जरा वन बाई वन करके पहले डिस्कस करते हैं राजपूत के राष्ट्रकूट के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो राष्ट्रकूट में अगर देखा जाए तो दे रूल्ड द रीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। इनकी जो पहली कैपिटल थी, पहली राजधानी थी, वो एलिचपुरम थी। एलिचपुरम यानी कि आज के डेट में जो एलोरा हम लोग बोलते हैं वो एरिया था। इनकी जो दूसरी कैपिटल थी वो मयाकटक या फिर इसी को हम लोग मान्य खेत आज की डेट में बोलते हैं। दिस इज द एरिया विच इज नाउ नोन एज मान्य खेत, ठीक है, या फिर मयाकटक। दंती दुर्ग इनका पहला राजा होता है, पहला रूलर होता है, जो कि बेसिकली फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी भी है। एक्चुअल में ये जो दंती दुर्ग है ये चालुक्य का फ्यूडलिज्म फ्यूड था, मतलब कि चालुक्य के टाइम पे ये सामंत था, और इसने एलोरा केव्स में भी दशावतार टेंपल वगैरह बनवाया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद दंती दुर्ग के बाद अगले जो रूलर आते हैं उनका नाम होता है कृष्णा। इन्होंने फेमस कैलाशनाथ टेंपल एट द एलोरा बनवाया हुआ है। कैलाशनाथ के कृष्ण के बाद अल्टीमेटली ध्रुव आते हैं जो कि ग्रेट रूलर है, ग्रेट किंगडम है, और इनफैक्ट इन्हीं के टाइम पर जो ट्रिपटाइट कंपटीशन है, ट्रिपटाइट कह लीजिए आपस में जो वॉर लड़े गए थे वो इन्हीं के टाइम पर हुआ था। एंड ही वॉज द फर्स्ट टू कॉन्कर कन्नौज बाई डिफीटिंग प्रतिहार एंड पाल। तो इन दोनों को हरा करके अल्टीमेटली कन्नौज पर कब्जा कर लिया जाता है। गोविंद थ्री वॉज द सेकेंड राष्ट्रकूटा रूलर टू ऑक्युपाई कन्नौज। अमोघ वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द राष्ट्रकूटाज, वॉज द लास्ट पैट्रन ऑफ जैनिज्म एंड द लास्ट रूलर कर्क थे किसके, राष्ट्रकूटास के ही। दे वर रिप्लेस्ड बाय कल्याणी चालुक्य हु वर फाउंडेड बाय तैलप टू। दिस इज तैलप टू, इनके द्वारा जो है कल्याणी के चालुक्य अल्टीमेटली जो है वो एस्टैब्लिश किए गए थे। राष्ट्रकूटास प्रोटेक्टेड द केव टेंपल आर्किटेक्चर बाय कंस्ट्रक्टिंग अदर केव टेंपल जैसे कि इंद्रसभा या फिर कोटा कैलाश एट द एलोरा। तो इन एलोरा टेंपल में या कह लीजिए एलोरा केव में कई सारे छोटे छोटे टेम्पल्स भी इन्होंने बनवाए हुए थे, जिससे कि इनके आर्ट एंड कल्चर के प्रति जो पैटर्नेज इन्होंने दिया हुआ है वो ऑब्जर्व होता है। इन देयर अंपायर द ग्रेट स्कॉलर इन मैथमेटिशियन महाविचार रोट गणित संग्रहम। तो इसके बारे में हम लोग अभी हालांकि डिस्कस करेंगे, इनके कह लीजिए पैलेस में, इनके एम्पायर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स थे। यहां तो बेसिकली एक ओवरव्यू दिया गया है, आप जरा वन बाय वन करके सारे के सारे रूलर को जरा डिस्कस कर लेते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ऑब्वियसली एस्टैब्लिशर है और वो कौन है, दंती वर्मन या फिर दंती दुर्ग इनको बोला जाता है। ये बेसिकली फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी है। ही ऑक्युपाइड ऑल द टेरिटरी बिटवीन गोदावरी एंड वीमा। इन्होंने एस्टैब्लिश कैसे किया, अभी तो मैंने बोला कि ये जो है वो चालुक्य के टाइम पर जो है वो फ्यूड हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था कि
ही इज सेड टू हैव किल्ड कलिंग कौशल कांची श्रीसिल मालवा लता एटसेट्रा एंड ऑक्युपाइड महाराष्ट्र बाय डिफीटिंग चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। तो जो चालुक्य का राजा था कीर्तिवर्मन उसको ही हरा करके उसको मार करके एक तरीके से कह लीजिए कि इन्होंने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की हुई थी इन द एरिया ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। चालुक्य किंग ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया था, एक्चुअली चालुक्य जो है वो बेसिकली तीन एरिया में थे। एक थे जिसे वातापी या फिर वादामी, वादामी के चालुक्य बोले जाते हैं, दूसरे जो है वो वेंगी चालुक्य है, एंड थर्डली कल्याणी चालुक्य है, कल्याणी। और जो एक कल्याणी चालुक्य है बेसिकली इन्होंने वातापी के चालुक्य को ही हरा करके राष्ट्रकूट डायनेस्टी यहां पर बनाया, और अल्टीमेटली जो कल्याणी चालुक्य वही राष्ट्रकूट को रिप्लेस करके अल्टीमेटली कल्याणी चालुक्य एस्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से जो डायनेस्टी है चालुक्य की वो हम लोग तीन फॉर्मेट में देखते हैं। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली डिस्कस करेंगे अबाउट द चालुक्यास, देखेंगे क्या कुछ है। फिलहाल के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि यहां पर तीन तरीके के चालुक्यास हैं। वातापी, वातापी को रिप्लेस किया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा, राष्ट्रकूट को वापस से रीस्टैब्लिश किया गया था चालुक्य डायनेस्टी इन द एज द फॉर्मेट ऑफ कल्याणी चालुक्य। और ईस्टर्न साइड में जो चालुक्य थे उनका नाम था वेंगी चालुक्य। क्लियर हो गया? चलिए खैर आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम है कृष्णवन। कृष्णवन जो है वो दंती दुर्ग की एक्चुअली अंकल रहते हैं, मतलब कि चाचा रहते हैं। इन्होंने वादामी के चालुक्यों को पूरी तरीके से हरा दिया था। He conquered the territory that were still under the Chalukyas. तो वादामी के जो चालुक्य थे उनको पूरी तरीके से हरा दिया था। He also conquered, he also occupied Konkan. Konkan के इलाकों को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। He defeated विष्णुवर्धन of वेंगी, मतलब कि जो वेंगी के चालुक्य थे विष्णुवर्धन वहां का रूलर था उसको भी हराया था, और साथ ही साथ में गंगा किंग ऑफ मैसूर इसको भी हराया था। यानी कि ये जो अंकल जी हैं यानी कृष्णा जी हैं ये बेसिकली काफी स्ट्रांग है, और इन्होंने जो है सबको अपने आसपास की जो भी नेबरहुड में जो भी टेरिटरी के रूलर्स हैं उनको अपने अंडर में कर लिया है। He was a great patron of art and architecture. The Kailash Temple of Ellora was built by Rashtrakuta King Krishnavan. तो इनके द्वारा ही जो कैलाश मंदिर है एलोरा में इन्होंने ही बनवाया हुआ था। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट आते हैं ध्रुव, और ये जो ध्रुव रहते हैं वो गोविंद टू, बीच में एक रूलर आते हैं गोविंद, उनके ये लड़के रहते हैं। तो गोविंद टू के बेसिकली ये सन है। ऐसा देखिए याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक आइडिया लेने के लिए है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ध्रुव जो है वो गोविंद टू के लड़के रहते हैं। He defeated गुर्जर प्रतिहारा किंग वत्सराज, वत्सराज को हराता है, फिर पल्लव ऑफ कांची एंड पाल किंग ऑफ धर्मपाल को भी हराता है। बेसिकली दिस इज द ट्रिपटाइट वॉर, ये जो है वो ट्रिपटाइट वॉर है जिसको कि ध्रुव ने लड़ा हुआ था। क्लियर हो गया क्या है? इसका जो कह लीजिए कि स्टेट एम्बलम था वो गंगा और यमुना था। तो दिस इज गंगा एंड यमुना, इनका स्टेट एम्बलम था। आगे अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं वो आते हैं गोविंद थ्री। गोविंद थ्री जो है अगेन ये धर्मपाल और नागभट्ट टू, एक्चुअली ही इज द सन ऑफ द गोविंद, ध्रुव सन, ध्रुव के बेटे रहते हैं, और ही डिफीटेड द गुर्जर किंग नागभट्ट। अभी हम लोग बात भी करेंगे गुर्जर किंग के बारे में, तो याद रखिएगा नागभट्ट को इन्होंने हराया था। पाल किंग धर्मपाल एंड ही प्रोटेस्ट चरायुद्ध सॉट द हेल्प ऑफ गोविंद टू। तो बेसिकली क्या है, धर्मपाल को हरा करके अल्टीमेटली गोविंद थ्री जो है वो जीत जाते हैं। His kingdom spread up to Vindhyas and Malwa in the north and the river Tungabhadra to the south. तो काफी बड़ा ये इलाका अपना बना लेते हैं। इसके बाद जो next ruler आते हैं वो आते हैं अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष basically under the protection of Kirk. This is Kirk. Kirk के protection में ये basically बड़े होते हैं और काफी strong ruler रहता है ये। Strong होने के साथ साथ ये आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर को बहुत ज्यादा पैट्रोनेज देता है, मतलब आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा ही प्रमोट किया हुआ है, साथ ही साथ में इसने लिटरेचर में भी काफी काम किया हुआ है। इनफैक्ट लिटरेचर में इन्होंने खुद एक कन्नड़ लिटरेचर लिखी हुई है, कन्नड़ पोएट लिखी हुई है जिसका नाम है कविराज मार्ग। अभी देखते हैं हम लोग, कविराज मार्ग इन्होंने लिखा हुआ है। और इनके जो कंपैरिजन, इनकी तुलना जो है वो
चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के साथ की जाती है. तो ही इज द ग्रेस्ट ग्रेट किंग ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी वॉज द अमोग वर्ष वन और ये गोविंद थ्री के बेटे रहते हैं. ही सेट अप अ न्यू कैपिटल एट मानिकेत और मानिकेत वही जिसको मलखेड़ भी बोलते हैं इन द कर्नाटका स्टेट. इनके टाइम पर भड़ौच जो है वो एक बेस्ट पोर्ट निकल करके आया था. तो अभी तक जो भी पोर्ट है उसमें वेस्टर्न साइड के पोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब नियर अबाउट 7 पोर्ट थे जो उस समय फंक्शन में थे, जिसमें से भड़ौच जो है वो बेस्ट पोर्ट, मतलब कि काफी ज्यादा ट्रेड यहां से होना शुरू हो गया था. ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर और इन्होंने जैन धर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया था. एक्चुअल में जितने राष्ट्रकूटास थे वो बेसिकली वैष्णवाइट्स थे, मतलब वैष्णव भागवत, इसको भागवत भी बोलते हैं, भागवत सेक्ट को बेसिकली ये फॉलो करते थे. लेकिन अमोघ वर्ष जो है वो अपने आप को जैन धर्म में, जैन में कन्वर्ट कर लेते हैं. किसके द्वारा ये किए रहते हैं अपने आप को कन्वर्ट? इन द जैन मॉन्क जिनसेन के द्वारा. ठीक है, जिनसेन ने, हालांकि इन्होंने भी एक लिटरेचर लिखी हुई है, एक कह लीजिए कि जैन के बारे में बताया हुआ है, इन अ पुराण जिसका नाम है आदि पुराण. दिस इज आदि पुराण. सुलेमान जो कि एक अरब मर्चेंट था, इन इज अकाउंट कॉल्ड अमोग वर्ष वन एज वन ऑफ द फोर ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, द अदर थ्री बींग, जैसे इनको बहुत बढ़िया रूलर इन्होंने बताया हुआ है. जो बाकी तीन थे उसमें से जो बगदाद के कैलिफ्स थे, मतलब कह लीजिए खलीफा जिसको बोला जाता है, एंड द किंग ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड द एम्परर ऑफ चाइना. तो खैर इसको केवल और केवल अपने इंफॉर्मेशन, अपने नॉलेज के लिए रखिएगा. दिस इज एज एक्चुअली काइंड ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कॉन्सेप्ट, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे. लेकिन खैर ये ध्यान में रखिएगा कि सुलेमान एक अरब मर्चेंट था जिसने अमोघ वर्ष को काफी ग्रेट रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया हुआ है. अमोघ वर्ष काफी लंबे समय तक ये शासन किया था, जैसे 63 ईयर आप देख सकते हैं. अमोघ वर्ष के बाद नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है इंद्र थ्री. इंद्र थ्री जो है ये अगेन काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर रहता है और ये जो प्रतिहार रूलर महिपाल रहता है उसको हराया रहता है. देखिए अभी आप लोगों को कई सारे, क्योंकि देखिए लगातार ये जो गुर्जर प्रतिहार हो गए, जो पाल डायनेस्टी हो गए और राष्ट्रकूटा हो गए, ये आपस में देखिए कंटिन्यूअसली वॉर लड़ते रहते हैं. जैसे ही एक एम्पायर से, मतलब कि एक रूलर से दूसरे रूलर में आता है, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू अगेन फाइट अ वॉर. तो इसलिए अभी केवल नाम नाम देखते जाइए. एंड ऑफ द वीडियो में मैंने एक पूरा समराइज्ड फॉर्मेट में लिखा हुआ है जहां से आपको जितनी भी कंफ्यूजन नाम को लेकर के है, वॉर को लेकर के, वो सब खत्म हो जाएगी. तो आप चिंता न करिए, केवल अभी आप सुनते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए. तो एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ आपको क्लैरिटी आ जाएगी. थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो जरूर होगी, बट अगेन देयर विल बी अ क्लैरिटी. ठीक है, चलिए खैर. तो इंद्र थ्री जो है वो अगेन एक पावरफुल किंग रहता है. ही डिफीटेड एंड डिपोज्ड महिपाल, और ये महिपाल जो होता है ये पाल लगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा पाल डायनेस्टी है. दिस इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का ये रूलर रहता है. नेक्स्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है कृष्ण थ्री. और कृष्ण थ्री जो है ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहता है. ये बल्कि अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करता है टुवर्ड्स द सदर्न इंडिया. सदर्न इंडिया में एक्चुअल में चोल डायनेस्टी रहती है जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन कृष्ण उससे भी बड़ा पावरफुल रहता है. और ये चोल डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं जिनका नाम रहता है परांतक, दिस इज परांतक टू, इनको ये हरा देता है. सॉरी परांतक टू नहीं, परांतक वन, इनको ये हरा देता है और अल्टीमेटली साउथ में जाकर के रामेश्वरम मंदिर बनाता है. दिस इज रामेश्वरम टेम्पल. ठीक है, रामेश्वरम में एक टेम्पल बनाता है और वहां पर जाकर के अपना, मतलब प्रयाग प्रशस्ति टाइप की चीज जो होती है ना, प्रयाग में जैसे बनाया गया था वैसे ही ये अपना एक कह लीजिए कि बताते हैं कि हम यहां पर वॉर लड़े थे और अल्टीमेटली हम जीते थे. तो यहां पर जो एक तरीके का बनाया गया है, एक पिलर बनाई गई है. द लास्ट पावरफुल एंड इफिशियंट किंग ऑफ राष्ट्रकूट, ही ऑल्सो सक्सीडेड इन कॉन्करिंग तंजौर एंड कांची. तो तंजौर और कांची ऑब्वियसली इट वॉज अंडर द चोल किंगडम और चोल को ही हरा करके इस पूरे एरिया को इन्होंने कैप्चर किया था. ही सक्सीडेड इन डिफीटिंग द तमिल किंग्स ऑफ चोल किंगडम, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. लास्ट जो रूलर आते हैं उनका नाम रहता है कर्क. और ये कर्क जो रहता है एक्चुअल में ये वीक रहता है. वीक होने के कारण ही यहीं से इनकी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है. तो राष्ट्रकूट किंग कर्क वॉज डिफीटेड एंड डिपोज्ड
बाई तैलप, दिस इज तैलप टू, जो अल्टीमेटली चालुक्य ऑफ कल्याणी ये रीस्टैब्लिश करता है। जैसे कि हम लोगों ने बात किया था ना कि वादामी के ये चालुक्यों को हरा करके राष्ट्रकूट डायनेस्टी बनाए हुए थे, और राष्ट्रकूट को वापस से हरा करके तैलप टू ने कल्याणी के चालुक्य ये अपनी एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश किए। तो इस तरीके से यहां पर राष्ट्रकूट का जो भी टाइम पीरियड है वो खत्म होता है और आगे चालुक्य की डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग चालुक्य को खैर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जरा राष्ट्रकूट के जरा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में किस तरीके की एडमिनिस्ट्रेशन थी। तो अगेन यहां पर भी वही सिस्टम चल रहा था जो नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, जैसे एक विलेज लेवल, विलेज के ऊपर फिर इसके ऊपर जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल आप बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से पहले हालांकि तहसील लेवल भी होती थी, और फिर अल्टीमेटली जो है यहां पर राज्य लेवल बोल दिया जाता था। तो राज्य राज्य करके अलग अलग एरिया को एक्चुअली राज्य बोलते थे। तो इन्होंने क्या है कि राष्ट्र यानी प्रोविंसेस को इन्होंने डिवाइड किया हुआ था, दिस वॉज द मेन प्रोविंस, और इसके लिए जो हेड होते थे उनको बोला जाता था राष्ट्रपतिज, तो राष्ट्रपति बोल दिया जाता था। राष्ट्रपति से जस्ट नीचे जो होते थे वो विषय होते थे, ऑलरेडी जिले को आपको पता ही है कि विषय बोला जाता था, और विषय के जो हेड होते थे उसको विषयपति बोला जाता था। सब डिविजन वॉज भुक्ति कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 60 विलेज, तो अगेन वही विलेज के जो ग्रुप ऑफ द विलेज हो जाते हैं जिनको मैं तहसील बोल रहा हूं उसी को ये लोग बोलते थे भुक्ति, जिसको कि ऑलरेडी गुप्ता पीरियड से ही भुक्ति बोला जाता था। एंड दिस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपतीज, विलेज के जो हेडमैन होते थे उनको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता था। एंड विलेज असेंबली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, तो सेम वही सिस्टम चल रहा था जो ऑलरेडी इंडिया में प्रिवेलेंट था। तो यहां पर कोई अंतर हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है। साउथ इंडिया की जो संगम एज की डायनेस्टीज है वहां पर हमें केवल और केवल डिफरेंस देखने को मिलेगा। लिटरेचर के बारे में अगर बात किया जाए राष्ट्रकूटाज के, तो अगेन कई सारे इन्होंने लिटरेचर को पैटर्नाइज दिया हुआ था। जैसे राष्ट्रकूटाज वाइडली पैटर्नाइज द संस्कृत लिटरेचर, और यह संस्कृत लिटरेचर वाकाटक डायनेस्टी से ही सामने आ रहा है। इनफैक्ट वाकाटक से पहले भी शक रूलर जो था रुद्रामन, इसने जो है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन को इसने संस्कृत में लिखवाया था। दिस वॉज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत। अल्टीमेटली फिर वाकाटकाज ने संस्कृत को पैटर्नाइज दिया एंड दे स्प्रेड दिस संस्कृत लैंग्वेज इनटू द सदर्न इंडिया। और फिर अल्टीमेटली जो राष्ट्रकूटाज आते हैं वो भी इसी संस्कृत का ही यूज करते हैं। तो त्रिविक्रमा इन्होंने लिखा था हलायुद्ध एंड कंपोज्ड कवि रहस्य ड्यूरिंग द रीन ऑफ कृष्ण III, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा जिनसेन, जिसने कि कह लीजिए कि जो होता है जैन पैटर्नेज करवाया था, मतलब जैन धर्म में कन्वर्ट करवाया था अमोग वर्ष को, इसने अपनी बायोग्राफी लिखी हुई थी इन द नेम ऑफ पार्श्व, तो पार्श्व भूदेया ये बेसिकली इनकी किताब का नाम था। इसके अलावा इन्होंने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है आदि पुराण, जिसको कि ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। इसमें जो है जैन सेंट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा सकत्यान रोट अमोग वृत्ति इन अ ग्रामर वर्क। इसके अलावा वीराचार्य, इन्होंने मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने गणित कह लीजिए कि जो है गणित सार संग्रहम इन्होंने लिखा हुआ है। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राष्ट्रकूटाज कन्नड़ लिटरेचर भी अपनी स्टार्टिंग होती है, और इसमें अगेन जो अमोग वर्ष थे उन्होंने अपना एक राइटिंग लिखा हुआ है जिसका नाम है, व्हाट इज द नेम, कविराज मार्ग। तो ये बेसिकली एक तरीके की पोएट है, पोएटिक वर्क है जिसको कि अमोघ वर्ष ने लिखा हुआ है, ठीक है। पंप वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ कन्नड़ पोएट एंड विक्रम सेना विजय इज हिज फेमस वर्क। तो अगेन देखिए ये थोड़ी सी लिटरेचर यहां पर खेला गया है, तो ये आपके लिए वही सिंपल सी बात है, रट्टा आपको याद करना पड़ेगा, इसको इंपॉर्टेंट होता है, बुक्स के नाम डायरेक्टली जो होते हैं वो पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्टली एक छोटा सा और भी वर्क लिखा गया है पुन के द्वारा, दिस पुन इज एक्चुअली द फेमस कन्नड़ पोएट, और इनका जो राइटिंग है उसका नाम है शांति पुरण। तो शांति पुरण जो है बेसिकली वो पुन के द्वारा लिखा गया है। लास्टली डिस्कस कर लेते हैं हम लोग आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी। आर्ट एंड कल्चर में अगेन देखिए राष्ट्रकूटाज एलोरा केव को काफी ज्यादा इन्होंने बनाया था, बनाने का मतलब कि यहां पर देखिए टेंपल बनवाए थे, प्लस साथ ही साथ में ब्यूटिफिकेशन का काम इन्होंने किया हुआ था। इसके अलावा इन्होंने एलिफेंटा केव में भी काम किया था, और ये एलिफेंटा केव बेसिकली
एक छोटे से आइलैंड पर है, कहां पर? महाराष्ट्र में. दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ज्योग्राफी वाइज भी इंपॉर्टेंट है. तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ द राष्ट्रकूटास कैन बी फाउंड इन एलोरा एंड एलिफेंटा. द मोस्ट रिमार्केबल टेम्पल कैलाश नाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज बिल्ट बाई कृष्ण. तो कृष्ण के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि एलोरा टेम्पल में इन्होंने कृष्ण कैलाश नाथ टेम्पल बनाया हुआ था. कैलाश नाथ टेम्पल के बारे में अगर थोड़ी सी अगर जानकारी देखी जाए, हालांकि इसमें काफी डिटेल्ड मैंने मतलब लिखा हुआ है, लेकिन इतना डिटेल आपको जानना नहीं है. जैसे टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ ए मैसिव ब्लॉक ऑफ रॉक मेजरिंग 200 फीट लॉन्ग एंड 100 फीट इन ब्रेथ एंड हाइट. एक्चुअली क्या है, ये मोनोलिथिक है. दिस इज मोनोलिथिक. मोनोलिथिक का मतलब होता है कि सिंगल रॉक से बनाई गई है और ये बेसिकली केव फॉर्मेट में है. जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जब मौर्या के बारे में बताया था, वहां पर मैंने बताया था बराबर केव के बारे में. तो सिमिलरली ऑन द सिमिलर नोट कैलाश नाथ टेम्पल इज ऑल्सो सेम सा ही स्ट्रक्चर मिलता है. द सेंट्रल फेस ऑफ प्लिंथ हैज इम्पोज्ड फिगर्स ऑफ एलिफेंट्स एंड लायंस विच गिव एन इम्प्रेशन दैट द एंटायर स्ट्रक्चर रेस्ट ऑन देयर बैक. इट हैज थ्री टायर्ड शिखर और टावर विच रिजेंबल्स द शिखर ऑफ द महामल्लपुरम रथास. ये जो शिखर वगैरह सिस्टम है, शिखर हो गया, तोरण हो गया, अमलखास, बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगी जहां पर आपको सारे टेम्पल आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके बारे में बता दिया जाएगा. तो फिलहाल आप यहां पर अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की ऐसा जरूरत नहीं है. देयर इज अ पिलर्ड हॉल एंड 16 स्क्वायर पिलर्स इन द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल. अ स्कल्पचर ऑफ द गॉडेस दुर्गा इज इंग्रेव्ड एज स्लेइंग द बफेलो डेमन. इन द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल देयर इज अ पिलर हॉल विच हैज 16 स्क्वायर पिलर्स. अ स्कल्पचर ऑफ द गॉडेस दुर्गा इज शोन अगेन. जो होता है ये तो रिपीट हो रहा है. खैर, तो ये कुछ इसके बारे में है, बट एज सच देखिए ये आप केवल और केवल एक बार रीड कर लीजिएगा. इसको रट्टा मारने की ऐसा जरूरत नहीं है. एग्जाम में कभी भी आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है. ठीक है, आगे नेक्स्ट जो टेम्पल है उसका नाम है एलिफेंटा टेम्पल. ये जो है वो एलिफेंटा नियर बॉम्बे एक छोटा सा आइलैंड है वहां पर है. द पोर्चुगीज नेम्ड इट एलिफेंटा आफ्टर सीइंग द ह्यूज फिगर ऑफ द एलिफेंट हियर. द स्कल्पचर इन एलोरा एंड एलिफेंटा हैव अ क्लोज सिमिलैरिटी. दैट इज बिकॉज द सेम किंग स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन दीज टू टेम्पल्स. तो एक ही राजा है जिसने बनवाया हुआ है. देयर आर ह्यूज फिगर्स ऑफ द्वार पालक एट द एंट्रेंस ऑफ द सैंक्टम. त्रिमूर्ति इज द मोस्ट मैग्निफिसेंट फिगर ऑफ द टेम्पल. द स्कल्पचर इज 6 meter हाई एंड सेट टू रिप्रेजेंट द 3 एस्पेक्ट ऑफ शिवा और द क्रिएटर प्रिजर्वेटर एंड डिस्ट्रॉयर. तो वही है, शिवा के तीनों रूप के बारे में बताया गया है कि इन्होंने बनाया भी है. जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश होती है ना, इन्होंने बनाया है, किसी ने एग्जीक्यूट किया और किसी ने संहार किया है. तो वही चीज यहां पर भी देखने को मिलती है. लास्टली रिलीजन के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता ही है कि राष्ट्रकूटास मेनली वैष्णवाइज थे, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग भागवत सेक्ट. तो ये बेसिकली वैष्णवाइट या फिर भागवत थे और इन्होंने इसी तरीके के टाइटल्स भी लिए हैं. जैसे वैष्णवाइट जो सेक्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टाइटल होती है जैसे प्रभास, दिस इज प्रभास. इसके अलावा आदि गुरु या फिर आदि वराह, इस तरीके के जो कह लीजिए कि टाइटल्स होते हैं वो बेसिकली वैष्णवाइट सेक्ट के ही होते हैं. तो वैष्णविज्म एंड शैविज्म फ्लॉरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. एक्टिव कॉमर्स विटनेस्ड बिटवीन द डेक्कन एंड द अरब. दे स्टिमुलेटेड द अरब ट्रेड बाय मेंटेनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद देम. तो ये थी बेसिकली राष्ट्रकूटा के बारे में. अब हम लोग नेक्स्ट जरा डिस्कस कर लेते हैं राजपूत यानी गुर्जर प्रतिहार के बारे में. अब गुर्जर प्रतिहार से पहले जरा राजपूत के बारे में जरा कुछ आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि अगेन इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन है. जैसे राजपूत के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि चौहान्स, चालुक्य, ठीक है, इसके अलावा परमार एंड वॉट राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूट नहीं प्रतिहार, सॉरी दिस इज प्रतिहार. तो ये बेसिकली वो चार डायनेस्टीज हैं जो बेसिकली राजपूत कही जाती है और ये पहली बार फर्स्ट टाइम ये इस एज में सामने निकल करके आई थी. इनके कहने के लिए दो लोग हैं, एक तो वही जो महर्षि वशिष्ठ हैं, दिस इज महर्षि वशिष्ठ जिन्होंने कह लीजिए फायर सेक्रीफाइस किया था आबू माउंटेन पे, माउंट आबू पे. दूसरा जो कहा जाता है कि ये राम या फिर लक्ष्मण के ये कह लीजिए कि इनके जो है वंश के हैं. तो ये दो
आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो बिलीफ्स हैं जो बेसिकली लोगों के द्वारा माने जाते हैं। तो दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ लॉर्ड राम, वंशज हैं बेसिकली, और लॉर्ड कृष्णा के भी कई लोग बोलते हैं। और द हीरो हु स्प्रैंग फ्रॉम द सैक्रिफिशियल फायर, जो कि अग्निकुल थ्योरी ऑफ महर्षि वशिष्ठ, इसको बताया किसने है, पृथ्वीराज रासों में बताया गया है, ठीक है, चंद्रवरदाई ने लिखा हुआ था। राजपूत बिलोंग टू द अर्ली मेडिवल पीरियड, एंड राजपूत पीरियड जो होता है अगेन वो राष्ट्रकूट के ही कंटेम्प्ररी माना जा सकता है, माना क्या जा सकता है, देख ही सकते हैं आप, उसी टाइम का ही है। फ्रॉम द डेथ ऑफ हर्ष, अब देखिए हर्षवर्धन, वही वर्धन डायनेस्टी डेथ हो गई, तो वहां पे उसका जो टाइम पीरियड है, उसका जो कह लीजिए कि पूरा का पूरा एम्पायर है, वो डिसइंटीग्रेट हो गया और अल्टीमेटली राजपूत के ही हाथों में चला गया है। दे बिलोंग टू द एंशियंट क्षत्रिय फैमिलीज, दे आर फॉरनर्स, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, जैसे कि एक ब्रिटिश जो भी इंटेलेक्ट थे उन्होंने कहा हुआ था। कुछ मेजर राजपूत के बारे में बात कर लेते हैं, हालांकि टोटल संख्या तो इनकी 36 है, लेकिन कुछ को ही हम लोग देखेंगे, जैसे प्रतिहार ऑफ अवंती, इसके अलावा पाल ऑफ बंगाल, अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, चौहान ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, राठौड़ ऑफ कन्नौज, गुहिल्स और सिसोदियाज ऑफ मेवाड़, फिर चंदेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मालवा एंड द सेन ऑफ बंगाल। तो बेसिकली जो पाल हैं, पाल के बाद ही जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो सेन डायनेस्टी ही आएगी। चंदेल डायनेस्टी गुर्जर प्रतिहार की ही डायनेस्टी से निकल करके आती है, तो दिस इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, यहां से निकल के आएगी। जो सिसोदिया ऑफ मेवाड़ है, अगेन ये गुर्जर प्रतिहार से ही निकल करके आते हैं। कन्नौज भी गुर्जर प्रतिहार से निकल के आती है। चौहान इज ऑल्सो फ्रॉम द गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी जो है वो शशांक के डायनेस्टी के बाद, मतलब गौड़ डायनेस्टी के बाद फिर पाल डायनेस्टी निकल करके आती है, और प्रतिहार डायनेस्टी तो आपको पता ही है। प्रतिहार डायनेस्टी एक्चुअल में राष्ट्रकूट के टाइम पर एक तरीके से कह लीजिए कि जो दरवाजे की रक्षा करते हैं ना, प्रोटेक्टर होते हैं, वो बेसिकली वो काम किया करते थे, और वहीं से ये लोग आगे निकल करके आए। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा मेजर राजपूत के बारे में आप लोगों को पता चल गया। लास्टली एक और छोटे से सोलंकी ऑफ गुजरात भी है। अब हम लोग जरा प्रतिहार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है प्रतिहार। प्रतिहार को बेसिकली गुर्जर प्रतिहार भी बोला जाता है, दिस इज गुर्जर। एक्चुअल में गुर्जर क्या होता है, गुर्जर का मतलब होता है दिस इज गुजरात, गुजरात प्लस आर मतलब राजस्थान, मतलब ये जो लोग हैं ये लोग गुजरात और राजस्थान के एरिया में रहा करते थे, और वहीं से इनका नाम पड़ गया गुर्जर। समझ में आ गया? अब प्रतिहार तो बेसिकली जो होता है वो राजपूत का एक कह लीजिए कि क्लैन है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार नाम सामने निकल करके आता है। द प्रतिहार वर ऑल्सो कॉल्ड एज गुर्जरा, दे रूल्ड बिटवीन 8th to 11th century AD ओवर नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। प्रतिहार अ फोर्टिफिकेशन, अगेन देखिए ये वही किले की सुरक्षा करने वाले लोग हैं एक तरीके से, जो बेसिकली राष्ट्रकूट के टाइम पर थे। एक्चुअल में है क्या सीन, थोड़ा सा सुन लीजिए। दंती दुर्ग के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जो बेसिकली राष्ट्रकूट के ही जो है, राष्ट्रकूट का फर्स्ट रूलर था, यानी एस्टैब्लिशर था, इन्होंने ही जो होता है एस्टैब्लिशमेंट की थी, संस्थापक थे ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। इन्होंने एक जो है उज्जैन में एक यज्ञ करवाया हुआ था। इस यज्ञ, बहुत बड़ा यज्ञ था, और इस यज्ञ का जो नाम था उसको हिरण कुंड बोला जाता है, हिरण कुंड। इस जो यज्ञ है इसकी जो प्रोटेक्शन में जो लोग थे वो बेसिकली गुर्जर प्रतिहार ही थे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है एक तरीके से प्रोटेक्टर का काम करते थे। तो प्रतिहार फोर्टिफिकेशन, प्रतिहार स्टूड एज अ फोर्टिफिकेशन ऑफ इंडियाज डिफेंस। और ये लोग जो है बेसिकली जो इस्लामिक इन्वेडर्स आ रहे थे उनको सिंध पर ही रोक दिया गया था, और ऐसा हमें मिलता है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में। ये लिखा नहीं हुआ, आप लोग लिख लीजिएगा, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में हमें इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन बाद में महमूद गजनी आता है, और ये महमूद जो गजनी है उसके टाइम पर यहां पर रहता है राज्यपाल, और ये जो राज्यपाल रहता है ये डर के भाग जाता है, और भाग जाने के बाद अल्टीमेटली जो होता है, जो गजनी है वो अल्टीमेटली इन्वेड कर जाता है इंडिया में। हालांकि उस समय जो चंदेल रूलर रहते हैं उनका नाम रहता है विद्याधर। तो ये जो विद्याधर हैं बेसिकली ये काफी हद तक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है ट्रीटी करके गजनी जो है वो निकल लेता है और गुजरात में सोमनाथ टेम्पल को फिर लूट लेता है। तो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, डिटेल में चर्चा करेंगे इन आवर
मेडिवल हिस्ट्री डिस्कशन, वहां पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिलहाल जरा आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिहार आर ऑल्सो कॉल्ड एज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एंड दे रूल्ड मध्य प्रदेश विद देयर कैपिटल एज बिंदल। इसमें जो है जो इंपॉर्टेंट कुछ रूलर्स हैं जैसे नागभट्ट वन हो गए, इनको फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो डायनेस्टी को फाउंड किया था वो था हरिश्चंद्र। दिस इज हरिश्चंद्र। लेकिन ये जो हरिश्चंद्र ने एस्टैब्लिश किया था ये कोई रियल एस्टैब्लिशर नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली फ्यूड के फॉर्मेट में था। लेकिन जो नागभट्ट था ये एक्चुअल रियल एस्टैब्लिशर है। जैसे कि चंद्रगुप्त वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी के बारे में जब बात किए थे तो उससे पहले भी लोग थे, जैसे श्रीगुप्त हो गए या घटोत्कच हो गए, ये लोग भी डायनेस्टी तो एस्टैब्लिश किए थे, लेकिन रियल एस्टैब्लिशर हम लोगों ने बोला था किसको, चंद्रगुप्त वन को, क्योंकि वही महाराजा अधिराज की टाइटल लेकर के अल्टीमेटली गुप्ता डायनेस्टी जो होता है वो बनाया था। उससे पहले के लोग तो कुशंस के ही फ्यूड हुआ करते थे, मतलब कुशन के अंडर में आते थे। क्लियर हो गया। थोड़ा सा पुराना का रिवीजन करते रहिए, पुराना हमेशा याद रखना होगा आपको, अदरवाइज मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। देखिए काफी हद तक हम लोग जो है वो हिस्ट्री लगभग कंप्लीट करने पे आ गए हैं, केवल और केवल मतलब नियर अबाउट 5 to 6 क्लासेस और लगेंगी और आपकी जो ये एंशियंट हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो गुर्जर प्रतिहार के बाद नेक्स्ट जो आते हैं, बाकी जितने भी राजपूत हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे पल्लव के बारे में, चालुक्य के बारे में, चोल चेर पांड्य के बारे में। तो नियर अबाउट 4 to 5 वीडियोस विल बी देयर एंड योर होल एंशियंट हिस्ट्री विल बी फिनिश्ड। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी जरूरी यही है कि आप रेगुलरली रिवीजन करते रहे, अदरवाइज जो होता है मिसमैच हो जाएगा, सारी की सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। देखिए आगे, इसके बाद नागभट्ट के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं मिहिर भोज, जो है काफी इंपॉर्टेंट और काफी ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी है ये। शेख सुलेमान जो कि ऑलरेडी राष्ट्रकूट डायनेस्टी के टाइम पर आया हुआ था, जिसने की अमोघ वर्ष को बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़िया रूलर बताया हुआ था, वही आगे यहां पर सुलेमान मर्चेंट ट्रेवल्ड, इन्होंने यहां पर भी कोर्ट ऑफ भोज के भी, मिहिर भोज के भी कोर्ट में इसने एक बार जो होता है घूमने आया हुआ था। राजशेखर जो कि इसी गुर्जर प्रतिहार के ही कह लीजिए कि डायनेस्टी इनके एम्पायर में ही रहते थे, इन्होंने कपूर मंजरी और काव्य मीमांसा ये लिखा हुआ है। ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ महेंद्रपाल ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। क्लियर। राजपाल वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द डायनेस्टी एंड वॉज किल्ड बाई विद्याधर ऑफ चंदेल। अब ये विद्याधर ने क्यों मारा था, अगेन देखिए राज्यपाल, ये वही वाला राज्यपाल है यहां पर देखिए, जो महमूद गजनी के आने पर भाग गया था, भाग जाने के कारण जो विद्याधर है इसने मार दिया था। मार देने के बाद हालांकि तुरंत इनकी डायनेस्टी खत्म नहीं हो जाती है, इसके बाद भी दो लोग और भी आते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे लास्ट रूलर जो होते हैं वो यशपाल होते हैं और अल्टीमेटली पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो गुर्जर प्रतिहार है वो खत्म हो जाता है आफ्टर यशपाल। ठीक है, आगे अगर बात किया जाए तो वन बाय वन करके जरा इनके कुछ छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, छोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनके बारे में देख लिया जाए। तो नागभट्ट जो है वो रियल एस्टैब्लिशर, रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी है, जो कि कन्नौज अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल बना करके रखे हुए थे। हालांकि अगर फाउंडर के बारे में पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन है तो आप बताएंगे कि कौन थे, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। क्लियर हो गया। नागभट्ट के बाद नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो बनते हैं वत्सराज। वत्सराज काफी इंपॉर्टेंट रूलर है और ये वही वत्सराज है जिनकी ध्रुव के साथ में, अब ये ध्रुव कौन है, ध्रुव है बेसिकली राष्ट्रकूट रूलर, ये राष्ट्रकूट रूलर के साथ में ध्रुव वत्सराज और पाल डायनेस्टी के धर्मपाल के साथ में ट्रिपटाइट वॉर चला है। तो ये बेसिकली जो है वो ट्रिपटाइट वॉर चला है जिसमें वत्सराज कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। जीतने का मतलब धर्मपाल से जब ये वॉर लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, लेकिन ध्रुव से जब ये वॉर लड़ते हैं तो हार जाते हैं। तो इस तरीके से जो ध्रुव है वो उस समय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर रहता है। इसके बाद से वत्सराज के बाद, एक मिनट में इसको क्लियर कर दूं, हाँ वत्सराज के बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं उनका नाम रहता है नागभट्ट टू, और ये किसी तरीके से ध्रुव के, ध्रुव ने जो कन्नौज पर अधिकार करके रखा था, कन्नौज को जो कैप्चर कर लिया था, उसको किसी तरीके से छुड़ा करके वापस से उसे अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रकूट रूलर गोविंद थ्री जब आते हैं तो उनसे भी इनका वॉर होता है और अल्टीमेटली ये हार जाते हैं, मतलब नागभट्ट जो है वो हार जाते हैं किससे, राष्ट्रकूट रूलर से। तो एक्चुअली होता क्या है,
ये जितने भी स्ट्रांग प्रतिहार जो है वो जितने भी स्ट्रांग रहते थे सब कुछ रहते थे, लेकिन इनके लिए जो राष्ट्रकूट है वो एक तरीके से पनौती होते थे। तो राष्ट्रकूट कभी भी अगर वॉर लड़ने आ रहे हैं तो बेचारे जो है गिव अप कर देते थे, तुरंत हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम तो जो है आरसीबी की टीम है, आरसीबी ठीक है, तो आरसीबी की टीम है कि सबसे जीतेगी, लेकिन आईपीएल जैसे ही आएगा वैसे ही सब की सब गिव अप कर जाते हैं, सारे प्लेयर इनके खत्म हो जाते हैं। तो ये बेसिकली प्रतिहार के साथ भी एक तरीके से सेम बैठता है। नेक्स्ट आते हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रूलर रहते हैं, एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड द एम्पायर एक्सपैंडेड फ्रॉम कश्मीर टू नर्मदा एंड फ्रॉम काठियावाड़ टू बिहार। तो बेसिकली ये मिहिर भोज जो रहता है वो अपने एरिया को बढ़ा करके रखता है। इस ये भी वैष्णो धर्म का ही रहता है, मतलब वैष्णो का ये भी सेक्ट को फॉलो किया रहता है। हालांकि मिहिर भोज देवपाल, मतलब जो मिहिर भोज और साथ ही साथ जो देवपाल मतलब कि पाल डायनेस्टी के जो रूलर हैं, दिस इज पाल डायनेस्टी, देवपाल रहते हैं, और राष्ट्रकूट रूलर जो रहते हैं, राष्ट्रकूट रूलर इस समय ध्रुव के साथ में जब लड़ाई लड़ते हैं तो मिहिर भोज हार जाते हैं, लेकिन फिर राष्ट्रकूट रूलर जब ध्रुव से अगले आते हैं, नेक्स्ट रूलर आते हैं, दैट इज द कृष्णा टू को हरा करके बेसिकली ये जीत जाता है। तो मिहिर भोज ध्रुव से तो हारते हैं लेकिन कृष्णा टू राष्ट्रकूट रूलर से जीत जाते हैं। अगेन देखिए, इसको परेशान मत होइएगा क्योंकि एंड ऑफ द वीडियो मैं अगेन एक समराइज्ड फॉर्मेट ऑफ द वॉर लिखा हुआ हूं, बताया हुआ हूं, जहां पर आपको सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल नोट्स को मेंटेन करिएगा सारा, दीज वॉर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज हैव इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड रीएस्टैब्लिशमेंट। नेक्स्ट जो आते हैं महेंद्रपाल आते हैं। जो महेंद्रपाल रहते हैं वो मिहिर भोज के जो होते हैं वो बेटे रहते हैं। अगेन ये पावरफुल रूलर रहता है। He extended his control over Magadh and North Bengal, यानी पाल डायनेस्टी को ये सब जो है पूरी तरीके से ही डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं और बंगाल के एरिया को ये लोग कैप्चर कर ले रहे हैं। इन्होंने जो राष्ट्रकूट रूलर है इंद्र, दिस इज इंद्र थ्री, इनको हराया था, ठीक है। इन्हीं के टाइम पर जो है राजशेखर, जो कह लीजिए पोएट हैं, उन्होंने कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा इन्हीं के ही शासनकाल में, इन्हीं के ही टाइम पीरियड में लिखा हुआ था। अब इसके बाद से डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिक्लाइन ऑफ प्रतिहार है वो महीपाल के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो राज्यपाल जो है इसका अंतिम लास्ट रूलर रहता है। हालांकि थोड़ी सी कहानी आप लोग सुन लीजिए, एक रहता है राजा रहता है महीपाल, दिस महीपाल इज द लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, लास्ट जो है वो पावरफुल रूलर रहता है। इसके बाद के जितने भी लोग रहते हैं वो सब वीक रहते हैं। तो दिस इज द लास्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर, और अपने टाइम पर ये कोशिश वही करता है कि किस तरीके से हम पूरे के पूरे एरिया को कैप्चर करके रखे रहे, इनफैक्ट कम से कम अपनी टेरिटरी को तो बचा करके रखे ही रहे। किन से? गुर्जर प्रतिहार से बचा करके और राष्ट्रकूटा से बचा करके, तो ये अपने एरिया को रखा रहता है। लेकिन इसकी जैसे ही डेथ होती है वैसे ही जो बाद के रूलर होते हैं वो वीक होते हैं और अल्टीमेटली इनकी जो डायनेस्टी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। अंतिम में पहुंचते पहुंचते फिर राज्यपाल बनता है राजा, दिस इज द राज्यपाल, ये बनता है राजा किसका, दिस इज गुर्जर प्रतिहार, और हम लोग बात कर रहे हैं इधर पाल डायनेस्टी है, ये बेसिकली गुर्जर प्रतिहार के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ओके। राज्यपाल बेसिकली जो है ये लास्ट रूलर रहता है, और इसके टाइम पर बाहर से इस्लामिक इन्वेडर जो महमूद गजनी आता है वो अटैक करता है। वीक रूलर है, भाग जाता है, भाग जाने के कारण फिर अल्टीमेटली यहां पर जो नेक्स्ट रूलर बनता है वो इसी राज्यपाल का ही बेटा बनता है, और उसका नाम रहता है त्रिलोचन पाल, दिस इज त्रिलोचन पाल। राज्यपाल को बाद में विद्याधर एक साहब रहते हैं, चंदेल शासक रहते हैं, चंदेल रूलर, वो इसको मार देते हैं, त्रिलोचन पाल बनता है राजा। लेकिन अगेन बेचारा वीक है, कमजोर है, और इसके बाद जो बनता है वो यशपाल बनता है, दिस इज द लास्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। इसके डेथ के बाद गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और छोटी मोटी डायनेस्टीज सामने निकल करके आ जाती है, और ये जो छोटी मोटी डायनेस्टीज है वो बेसिकली महीपाल के टाइम से ही अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर देती हैं, जैसे चंदेल हो गया जो गढ़वाल रीजन में था, परमार हो गया जो कि बेसिकली कह लीजिए कि दिल्ली अजमेर के पास वाले एरियाज में था। तो यहां से पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और बाकी के जो रूलर्स हैं वो आगे निकल करके आ जाते हैं। क्लियर हो गया।
थोड़ा सा यहां पर देख लीजिए, दिस इज द वास्ट एम्पायर रिड्यूस टू कन्नौज ओनली, द प्रतिहार पावर बिगैन टू डिक्लाइन आफ्टर महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड द किंगडम इन 1018 AD. आफ्टर डिक्लाइन ऑफ प्रतिहारास देयर फ्यूडेटरीज, कौन कौन से फ्यूडेटरीज हैं जो इनके शासनकाल में इसके अंडर में काम कर रहे हैं, जैसे पाल, क्योंकि इन्होंने तो पाल को कैप्चर करके रखा हुआ था, तोमर, इसके अलावा चौहान, राठौड़ और चंदेल, ये लोग बाद में जाकर के अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, इंडिपेंडेंट बना लेते हैं. ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो गुलाज एंड परमार्स बिकेम द इंडिपेंडेंट रूलर, जो कि बाद में बनते हैं. ठीक है, ओके. देयर वॉज कंप्लीट एनार्किज्म इन बंगाल बिटवीन 750 to 760, तो बहुत ज्यादा कियोस्क टाइप की बन गई थी. तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी जो हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार के बारे में डिस्कशन किया. लास्ट रूलर आ जाते हैं हम लोग जरा पाल के बारे में, पाल के बारे में देखेंगे और फिर अल्टीमेटली हम लोग आ जाएंगे अपने वही ट्रिपेटाइट वॉर के बारे में देखेंगे और अल्टीमेटली हम लोग इस पूरे के पूरे लेक्चर को समराइज करेंगे और एंड ऑफ द वीडियो कर लेंगे. तो फटाफट पहले पाल के बारे में देख लेते हैं. तो पाल जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल के एरिया में ये रूल करते हैं और इनकी जो कैपिटल रहती है वो रहती है मुंगियार. गोपाल वॉज द फाउंडर, दिस इज फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड धर्मपाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी. तो जो धर्मपाल है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन अगेन ये बेचारा हार जाता है जब भी गुर्जर प्रतिहार अटैक करते हैं या फिर राष्ट्रकूट अटैक करते हैं, तो उनसे तो हार जाता है लेकिन बाकियों से जीत जाता है. तो ओनली पाल किंग टू रूल कन्नौज विद द टाइटल ऑफ उत्तरापट स्वामी, मतलब कि लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ. इस ये जो है बेसिकली महिपाल था, महिपाल इज अगेन द रूलर ऑफ द पाल, जिसको कि उत्तरापथ स्वामी का एक टाइटल दिया गया था. एंड ही वॉज द लास्ट ग्रेट किंग ऑफ पाल. ही वॉज डिफीटेड बाई राजेंद्र चोल ऑफ द चोल डायनेस्टी हु टुक कंट्रोल ओवर द सिल्क ट्रेड विद द चाइना. तो बेसिकली राजेंद्र चोल जो है काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहता है, बात करेंगे हम लोग चालुक्य के टाइम पर भी बात करेंगे कि राजेंद्र चोल जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग रूलर रहता है. इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि वो बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी को भी कह लीजिए कि कंट्रोल कर रखा था. चालुक्य, राजेंद्र चोल की जो सिस्टर रहती है वो बेसिकली मैरिड टू द चालुक्य रूलर रहती है और वहीं से जो है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन मेंटेन रहता है. देखेंगे क्या कुछ है, हम लोग चालुक्य के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर अगेन राजेंद्र चोल फिर से आएंगे. तो राजेंद्र चोल जो है काफी इंपॉर्टेंट रूलर रहता है साउथ इंडिया का और इसने नॉर्थ इंडिया को भी कॉन्कर किया है. कैसे किया है, इसी तरीके से इन्होंने पाल डायनेस्टी को डिफीट किया था और वहां से जाकर के अल्टीमेटली जो सिल्क रूट ऑफ सिल्क ट्रेड ऑफ चाइना जो है उसको भी कैप्चर किया था. अब जरा इनके डिटेल के बारे में अगर देख लिया जाए, जो पाल डायनेस्टी है तो हम लोगों को पता है कि यहां पर पहले गौड़ डायनेस्टी थी और गौड़ डायनेस्टी का जो रूलर था उसका नाम था शशांक. शशांक को हर्षवर्धन ने मार दिया था. मार देने के बाद अल्टीमेटली ऑब्वियसली जो शशांक का इलाका है काफी बड़ा है, बड़ा होने के कारण से यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सही तरीके से नहीं चल पाता है, जिसके कारण से यहां पर कियोस मचा रहता है, अफरा तफरी मची रहती है और ये पूरा का पूरा 100 ईयर्स तक ऐसे ही चलता है, एक सेंचुरी तक ऐसे ही चलता है. बाद में जो वहां के लोकल पीपल रहते हैं वो एक कमांडर रहता है, कमांडर का नाम रहता है गोपाल, इसको राजा बना दिया जाता है और इस तरीके से पाल डायनेस्टी जो है वो बंगाल में एस्टैब्लिश हो जाती है. समझ में आया क्या चीज है. तो इनके बारे में अगर देखा जाए तो गोपाल जो है इज द फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी एंड ऑल्सो रिस्टोर्ड ऑर्डर ऑफ द जो भी लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द बंगाल है. रूल्ड ओवर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न इंडिया, ही एक्सपेंडेड द पाल डायनेस्टी एंड एक्सटेंडेड हिज पावर ओवर द मगध. तो ये आसपास की जो टेरिटरीज थी उनको बेसिकली अपने कब्जे में लेते आ रहे थे. इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं काफी स्ट्रॉन्ग और काफी इंपॉर्टेंट रूलर है, दैट इज द धर्मपाल. और धर्मपाल जो है वो ध्रुव के, ध्रुव ऑफ राष्ट्रकूट के कंटेम्प्ररी है. इसके अलावा अगर गुर्जर प्रतिहार के बारे में बात किया जाए तो वत्स राज के ये, दिस इज वत्स राज के ये कंटेम्प्ररी है. तो ऑब्वियसली इन तीनों के तीनों आपस में जो है ट्रिपेटाइट वॉर लड़ेंगे ही लड़ेंगे. तो ही इज द सन ऑफ गोपाल एंड सक्सीडेड हिज फादर. ही ब्रॉट बंगाल, बिहार एंड कन्नौज अंडर हिज कंट्रोल. ही डिफीटेड प्रतिहार्स एंड बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. तो पहले तो हालांकि वत्सराज से ये हार जाता है, लेकिन बाद में जब ये दोबारा जब वॉर होती है तो ये जीत जाता है और इस तरीके से मास्टर ऑफ इंडिया बन जाता है. ही वॉज अ स्टीड फास्ट बुद्धिस्ट एंड फाउंडेड द फेमस
विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड सेवरल मोनास्ट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इसने बनाया हुआ है, साथ ही साथ इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिस्टोर किया था। समझ में आ गया क्या चीज है? नालंदा यूनिवर्सिटी बताया बनाया किसने था? गुप्ता डायनेस्टी में। किसने बनाया था? कुमार गुप्त ने। दिस इज कुमार गुप्त वन। क्लियर हुए? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के अलावा इसने एक और यूनिवर्सिटी बनाई थी, दैट इज द सोमपुर यूनिवर्सिटी। दिस इज सोमपुर यूनिवर्सिटी। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो इसी वजह से इसको इंपॉर्टेंट बोला जाता है, क्योंकि इसने काफी कुछ किया हुआ है। इसके अलावा इनके टाइम पर एक हरिभद्र, एक बुद्धिस्ट राइटर थे, दिस इज हरिभद्र, इन्हीं के एम्पायर में थे, यहीं पर ये रहते थे, यहीं पर अपना जो भी काम करना है वो करते थे। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो रूलर आते हैं, दैट इज द आफ्टर धर्मपाल, वो आते हैं देवपाल। और अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है। धर्मपाल के बाद इनका लड़का देवपाल जो है वो बेसिकली जो है वो थ्रोन को संभालता है। एंड ही कैप्ट द पाल टेरिटरीज इंटैक्ट, ही कैप्चर्ड असम एंड उड़ीसा। और ये बेसिकली इस तरीके से उत्कल, दैट इज द उड़ीसा, इसके अलावा हुंस जो अटैक करते हैं, द्रविड़ और गुर्जरों, इन सबको ये हराया था। यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट रूलर है। इसके अलावा जो सुलेमान था, जो एक अभी हम लोगों ने देखा ना अरब मर्चेंट सुलेमान, वो इनके भी शासन में, इनके भी एम्पायर में आया था। और इसे एक टाइटल देके गया था, दैट इज टाइटल क्या नाम है? रुहमा। रुहमा टाइटल इनको दिया था। कौन? देवपाल को। किसने? सुलेमान ने। क्लियर हो गया? आगे देवपाल के बाद नारायण पाल बनते हैं, नारायण पाल के बाद अल्टीमेटली महीपाल राजा बनते हैं। तो नारायण पाल इनसे पहले बनते हैं, दिस इज द नारायण पाल। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने क्या है याद रखिएगा, 10 शैवाइट टेम्पल इन्होंने बनाए हुए थे, दिस इज 10 शैवाइट टेम्पल्स। इसके अलावा कुछ और भी इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। महीपाल के बारे में देख लेते हैं, द पाल बिकेम पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीन, एंड पाल जो डायनेस्टी है महीपाल के बाद से अल्टीमेटली डिक्लाइन कर जाती है। तो ये बेसिकली लास्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रूलर रहता है, उसके बाद जितने भी लोग आते हैं वो फिर जो है वीक रहते हैं और अल्टीमेटली खत्म हो जाते हैं। जो लास्ट रूलर है उसका नाम है गोविंद पाल, और गोविंद पाल से पहले एक और रूलर आते हैं जिनका नाम है रामपाल, बट अगेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये भी वीक रूलर रहता है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी पाल डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग जरा देख लेते हैं आखिर में जो टिपटाइट वॉर है वो किस तरीके से हो रहा है और आखिर में क्या हो रहा है इसमें। यहां पर राष्ट्रकूटाज, साथ ही साथ में गुर्जर प्रतिहार और साथ ही साथ में पाल डायनेस्टी, ये तीनों आपस में वॉर लड़ेंगे। तो टिपटाइट वॉर की जो शुरुआत होती है वो होती है कन्नौज को लेकर के। तो कन्नौज के एरिया जो कि पॉलिटिकल सेंटर बना हुआ था, इसको कब्जा करने के लिए, इसको एनेक्स करने के लिए तीनों डायनेस्टीज ही कोशिश करना शुरू कर देती हैं। तो दीज जो कन्नौज था वाज बिटवीन प्रतिहार ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड द पाल ऑफ बंगाल एंड राष्ट्रकूट ऑफ डेक्कन, एज ऑल दीज थ्री डायनेस्टीज वांटेड टू एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी ओवर कन्नौज। तो कन्नौज को लेकर के वॉर हुआ, एंड दिस वॉज द फर्टाइल गैंगेटिक वैली। द टिपटाइट स्ट्रगल लास्टेड फॉर 200 ईयर्स and weakened all of them, which enabled the Turk to overthrow them. तो basically बाद में जो Islamic invasions हुए थे, जिसके कारण से गुर्जर प्रतिहार weak हो चुके थे, और इन्हीं तुर्क ने ही attack करके ultimately जो है अपना दिल्ली सल्टनेट जो है वो इंडिया में establish कर पाए। आगे देखा जाए अगर, तो देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है, जहां पर एंड ऑफ द वीडियो एंड समराइज ऑफ द वीडियो है, समरी है। अब देखिए इसमें खेल यही है कि दंतीदुर्ग, हर्षचंद्र और गोपाल, ये तीनों के तीनों जो होता है वो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ व्हाट? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार एंड पाल। क्लियर हो गया? इसके अलावा कृष्णवन बनते हैं फिर राजा, कृष्णवन और नागभट्टवन, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं। इसके बाद से जो ध्रुव हैं, ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल, ये कंटेम्प्ररी और आपस में ये ट्रिपटाइट वॉर लड़े थे। आपको पता ही है कि ट्रिपटाइट वॉर ऑब्वियसली 200 इयर्स तक चला हुआ है, तो काफी लंबा तक चलने वाला और काफी लंबे कई लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ध्रुव है, ध्रुव, वत्सराज और धर्मपाल, ये आपस में वॉर लड़ते हैं, और आपस में जो जीतने वाला बंदा है वो कौन है? ध्रुव। ध्रुव जो है वो जीत जाता है। वत्सराज पहले धर्मपाल के साथ में वॉर लड़ता है और अल्टीमेटली वत्सराज जो है वो जीत जाता है, धर्मपाल हार जाते हैं। लेकिन जब ध्रुव की लड़ाई होती है वत्सराज के साथ में, तो वत्सराज हार जाते हैं और ध्रुव जो है वो जीत जाता है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं गोविंद थ्री।
गोविंद थ्री और नागभट्ट इन दोनों आपस में वॉर लड़ते हैं और नागभट्ट हार जाते हैं और गोविंद थ्री जीत जाते हैं। अगेन ये भी धर्मपाल के ही कंटेम्पररी है और अगेन धर्मपाल जी हारते हैं, नागभट्ट जी जीतते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट जो रूलर आते हैं दैट इज द मिहिर भोज। मिहिर भोज का वॉर होता है अमोघ वर्ष के साथ में, अमोघ वर्ष के साथ में इनका वॉर हो रहा है, जहां पर अमोघ वर्ष अगेन जीत जाते हैं, दिस इज जीत जाते हैं और यहां पर ये हार जाते हैं। लेकिन इनसे पहले इन दोनों, अच्छा अमोघ वर्ष के बाद में एक छोटा सा रूलर आता है दैट इज द कृष्णा टू। कृष्णा टू के साथ में जब मिहिर का वॉर होता है तो मिहिर भोज जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जीत हार जरूर है लेकिन अगेन यहां पर आपको याद हो जाएगा क्या चीज है। इंद्र थ्री जो आते हैं ये बेसिकली महिपाल और महेंद्रपाल दोनों के साथ में वॉर लड़ते हैं, जहां पर महेंद्रपाल के साथ जब वॉर होती है तो ये जीत जाता है और हार जाते हैं इंद्र, लेकिन बाद में फिर इंद्र फिर से अटैक करते हैं इसी राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी पे और महिपाल को फिर हरा दिया जाता है और इस तरीके से अगेन इंद्र जो है वो अपनी सुप्रीमेसी कायम कर लेता है। तो यही बेसिकली वो पूरे के पूरे वॉर है और यही बेसिकली पूरा का पूरा ट्रिपार्टाइट वॉर है आपस में, जो तीनों शक्तियां आपस में जो है संघर्ष की थी फॉर 200 इयर्स। समझ में आ गया क्या केस है, यहां पर इन्होंने इसने यहां पर इन्होंने आपस में वॉर लड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली आपस में 200 ईयर तक वॉर चली हुई थी। तो ये थी बेसिकली पूरी की पूरी डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है बट एक क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को पूरे इस गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल डायनेस्टी के बीच में और साथ ही साथ में जो भी वॉर हुई थी। क्लियर हो गया कैसे केस है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।